नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा में। आज मैं आपके सामने इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ, एआरओ और सीए जो आपका कंप्यूटर असिस्टेंट है उसके जॉब प्रोफाइल की अगर आप सिलेक्शन होकर जाते हैं तो आपको क्या दायित्व मिलेगा, आपका प्रमोशन क्या होगा और सबसे बड़ी बात रकम सैलरी कितनी होगी, ठीक है, इन सब के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और ये वैकेंसी बहुत जल्दी ही आपको जॉब देने वाली है तो उसके लिए आज ही से लग जाइए। सैलरी बहुत अच्छी खासी है, जो एक तरह से बोला जाए जॉब का रुतबा और सैलरी दोनों बहुत अच्छी है। ठीक है, उस पर मेन तो आपका अभी एम आपका क्या है कि ये जो बेरोजगार वाला धब्बा है वो रोजगार में बदल जाए। ठीक है, तो रुतबा और वो तो बगल में है, पहले तो बेरोजगार से हम रोजगार हो जाएं वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आज हम इस जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि हाई कोर्ट में आपको क्या काम सौंपा जाएगा, क्या सैलरी रहेगी, कितना आपका कटेगा, इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगी, ठीक है, कितना वर्कलोड रहेगा, जॉब टाइमिंग आपकी क्या रहेगी, ये सब डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी जॉब प्रोफाइल में एक एक करके करेंगे। इलाहाबाद का है ये, कंफ्यूज मत होना, यूपी पीसीएस आरओ से मत कंफ्यूज हो जाना। ठीक है, लोक सेवा आयोग का आरओ यारो का ये नहीं है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ यारो का है। तो एक एक करके देखेंगे, अभी हम लोग आरओ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। ठीक है, 4800 ग्रेड पे की ये जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है, जो आपके सचिवालय में ग्रेड आपका लगता है ग्रेड पे, सेम ग्रेड पे की ये जॉब है आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में। लेकिन दो चीजें हैं, बच्चे यहाँ कई चीजें क्वेश्चन पूछते हैं कि यार सर, जो सचिवालय उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कराता है आरओ का एग्जाम और जो हाई कोर्ट आरओ का एग्जाम है, दोनों का पोस्ट सेम है, पैसा और अप्रॉक्स ग्रेड पे सेम है, क्या दोनों की ताकत सेम है? पावर की बात आ जाती है। पावर के बारे में बात करें तो पावर में अलग अलग है। ठीक है, जाहिर सी बात है, लोक सेवा आयोग का जो आरओ होता है वो हाईकोर्ट के आरओ से पावरफुल होता है। ठीक है, वो सचिवालय में बैठता है, पूरा सचिवालय को देखता है। ठीक है, और यहां आप सिर्फ हाईकोर्ट से रिलेटेड ही रह जाते हैं। ठीक है, वो पूरा एक मंत्रालय को संभालता है, तो वो पावर की बात है, पावर पे मत जाओ, मेन है पैसा, पैसा और पावर, और सबसे बड़ी बात है रोजगार और बेरोजगार का जो धब्बा है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो आरओ जो है क्लास बी गेजेटेड ऑफिसर होता है। ठीक है, ये भी गेजेटेड ऑफिसर होता है, लेकिन अगर इसे बोला जाए तो ये एक तरह से आरओ जो है इसको हम बोल सकते हैं अपर डिवीजन क्लर्क होता है। क्या होता है? अपर डिवीजन क्लर्क का काम होता है, एक्चुअली इसका साधारण भाषा में मैं बोलूं तो क्लर्कियल काम ही होता है इसका। ठीक है, जो भी जजमेंट दिए जाते हैं जज के द्वारा उसको रिव्यू करना, नाम ही इसका है रिव्यू ऑफिसर। ठीक है, उसको फिर रिव्यू करता है और जो जो चीजें उसमें अनएक्सपेक्टेड है उसको हटाना, जो चीजें नया लगाना है, कैसे पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उसमें क्या क्या जो है डॉक्यूमेंट लगने चाहिए, कोई भी अगर केस है उससे रिलेटेड जो भी एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगने चाहिए, तो वो सब चीजें एक फॉर्मेट में कौन तैयार करेगा, इन्हीं की जिम्मेदारी पे होती है। ठीक है, इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, इनको काम ही करना होता है, आपको बस कंप्यूटर दिया जाएगा, सिस्टम दिया जाएगा, उस पर आपको लगे रहना है, और वो भी अलग अलग डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है, किसी को आईटी सेक्टर मिल जाता है, किसी को आपका जो है ये मिल जाएगा जो हाई कोर्ट वाला है उसी में आपको जो है मेन आपके कोर्ट के अंदर आपकी जॉब लग जाएगी, जो आईटी वाले होते हैं वो मेनली जो बीटेक और ये वाले बच्चे होते हैं उनको जाके आईटी सेल में दे दिया जाता है, हाई कोर्ट के आईटी सेल में जो आपके वैकेंसी निकलती रहती है इनको कंडक्ट कराना, और भी मतलब डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं इसमें रिव्यू ऑफिसर में। ठीक, तो बेसिकली आपका टास्क शुरू वहीं से होगा कि जो जजमेंट होगा, ठीक है, जज का, उसको आप सही तरीके से प्रस्तुत करेंगे जज के सामने। ठीक है, वही आपका है, उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपकी खबर ली जाएगी। ठीक है, तो ये सब आरओ और एआरओ और सीए, इन सभी को तीनों को मिलकर ये काम करना होता है, तीनों एक ही साथ मिलकर काम करते हैं, इन द सेंस पहले कोई काम सीए के थ्रू कहां आएगा, एआरओ के पास आएगा। ठीक है, एआरओ जो है उसको पूरा टाइप करके हर चीजें उसमें देखेगा क्या क्या इसकी चीजें चाहिए, और फिर रिव्यू ऑफिसर के पास जाएगा, तो रिव्यू ऑफिसर का काम होता है उसको रिव्यू करना, फिर वहां कोई गलती मिलती है नहीं पीछे भेज देना, खुद ही सही करो और उसके बाद तुरंत उसे सबमिट करो, ये काम है। ग्रेड पे 4800 मैंने आपको बता दिया, जो पे स्केल है भयंकर है इसका पे स्केल। ठीक है, लेवल 8 का पे स्केल है, 47,600 से 151,100 तक इसका पे स्केल है, बेसिक आपका इतने से इतने टॉलरेट करेगा। ठीक है,
तो बेसिक आपका पहले लगेगा, जब आप ज्वाइनिंग पे बात जाओगे तो आपका 47,600 आपका क्या लगेगा, बेसिक लगेगा। और ये सैलरी किसी एक बंदे का है जो हाई कोर्ट में है, 2019 के अप्रोक्स का मैं ये सैलरी बता रहा हूं आपको, ठीक है, 19 या 20 का है, ठीक है, उसी का है। 17% आपका जो डीए चल रहा, देखो एक तो इंक्रीमेंट लगता ही लगता है, प्लस डीए भी दो बार बढ़ता ही साल में है, तो सैलरी आपकी वेरी करती रहेगी। ऑन अप्रोक्सीमेशन मैं सैलरी लेके आया हूं, एग्जैक्ट नहीं मैं बता रहा हूं कि आपको इतना ही एग्जैक्ट मिलेगा, अप्रोक्स यहां से यहां तक रेंज में आपको सैलरी मिलेगी। तो बेसिक तो आप जब ज्वाइन करोगे 47,600 आपकी बेसिक होगी, उस पे 17% अभी डीए चल रहा है, तो 17% आपका ये डीए लग जाएगा। उसके बाद से हाउस अलाउंसेस, बेसिकली इसमें क्या आपको हाउस मिलता है, लेकिन जगह अगर इलाहाबाद में आपकी पहली पोस्टिंग इलाहाबाद में होगी, ये भी ध्यान रखिए। आप लोग सबसे बड़ी बात, कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्या हमें डिस्ट्रिक्ट अपना डिस्ट्रिक्ट मिल सकता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है क्या उसमें भी आरओ और एआरओ की पोस्टिंग होती? नहीं, उसमें आपकी आरओ और एआरओ की पोस्टिंग नहीं होती है, ठीक है, उसमें आपकी जो पोस्टिंग होती है वो यहाँ पे जो क्लर्क वाले होते हैं, सीए होते हैं, उनकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आरओ और एआरओ की पोस्टिंग वहां नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो सीए है उनका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो सकता है, ठीक। अब जो ये हाउस अलाउंसेस की जो मैं बात कर रहा था, हाउस अलाउंसेस आपके लिए घर हैं लेकिन वो खाली नहीं है, क्योंकि रिटायर नहीं हुए हैं लोग, जब रिटायर होते हैं तब जाकर आपको मिल सकता है, नहीं मिलता है तो उसके लिए आपको कोर्ट क्या देती है, 5,620 रुपया क्या देती है, उसका अलाउंसेस देती है। बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है, 5,000 से आपका 6,000 बोल सकते हो, 6,000 से 6,500 के बीच में आपको हाउस का जो अलाउंसेस मिलता है। ड्रेस, क्योंकि आपको काला कोट पहन के जाना है, क्योंकि आप कहां जा रहे हो, अदालत जा रहे हो, और वहां पे ड्रेस क्या है, काला कोट, तो उसके लिए ड्रेस के लिए आपको 500 रुपये महीने का मिलता है, ठीक है। तो ये पहली ऐसा है जहां पर ड्रेस के लिए आपको अलाउंस मिलता है। न्यूज़पेपर के लिए मिलता है, वो मैंने नहीं इंक्लूड किया है, न्यूज़पेपर के लिए भी अलाउंसेस मिलता है आपको, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सभी कुछ मैं ऊपर जो मेन मोटा मोटा अलाउंसेस है वो जोड़ा हूं। उस तो सैलरी आपकी कुछ बैठेगी 61,812 से लेकर 65,066 के अप्रोक्स जाएगी, ठीक है, 65,066 के अप्रोक्स जाएगी, और तो ये इनिशियल में जब ज्वाइनिंग आप करेंगे तब इतनी सैलरी आपका चाहिए, जान लोगे, ठीक है। और इन हैंड आपके अकाउंट में जो आएगा वो 58,000 से 60,000 के अप्रोक्स में, पहली बार जो सैलरी जो ज्वाइनिंग के बाद आई थी वो 60,000 रुपए, जो पहले बार जो आएगी वो 58,000 से 60,000 के बीच में आपको कोई सैलरी मिलेगी, तो बहुत है पैसा इतना, ठीक है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहली बात कि जो आपकी पोस्टिंग सब पहले होगी वो इलाहाबाद में होगी, ठीक। उसके बाद से अगर आपके पास कोई जेन्यून रीजन है, ठीक है, कब 3 या 4 साल बाद, 3 या 4 ईयर बाद, ठीक है, आपके अगर कोई जेन्यून रीजन है, आपका घर वहां पे है, जो भी चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो है इसकी जो एक खंडपीठ जो है आपका कहां पर, लखनऊ में पोस्टिंग आपको मिल जाएगी। आरओ और एआरओ वाले बच्चों को इलाहाबाद, पहले तो सबको इलाहाबाद ही जाना है, उसके बाद बहुत एसेंशियल है किसी का, तभी जाके उसको लखनऊ मिलता है, ठीक है। तो ये सैलरी के बारे में डिस्कशन हो गया। प्रमोशन के बारे में बात कर लें कि अच्छा प्रमोशन कैसे होगा। अभी हम एक तरह से बोले हम क्लर्कियल जॉब पे ही हैं, हमारा काम क्या है, हमारे ऊपर बर्डन है, वर्कलोड है, आपके पास टाइमिंग आपकी वही है, ठीक है, टाइमिंग आपकी वही है, 10 से आपको 5 देना है समय, ठीक है, 10 से 5 आपको समय देना है, तो टाइमिंग आपका वही है। लेकिन क्लर्क वाला है तो लोड तो है आपके पास, वर्क का लोड है, तो आप कहां पे वर्कलोड से फ्री हो जाओगे? अभी यहां पर जब तक आप एसओ तक हो, जब एसओ बनोगे आरओ के बाद, जो आरओ के बाद अगली प्रमोशन होगी वहां आपको वर्कलोड कम मिल जाएगा। तो शुरुआत कहां से होता है, सीए से, कंप्यूटर असिस्टेंट, उसके बाद से आपका एआरओ, फिर आरओ, ठीक है, एआरओ से ऊपर होता है आरओ, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। लेकिन ये इसको क्या कर सकता है, ऑर्डर देके काम नहीं करा सकता है, एक तरह से बोला जाए सुपरविजन वाला काम नहीं है आरओ का, किसी को मतलब ये करे कि नहीं तुम्हें अभी ये करना है, मैं ऑर्डर दे रहा हूं ये करना होना चाहिए, वो तब होगा जब आप एसओ बने हुए सेक्शन ऑफिसर बनोगे। सेक्शन ऑफिसर बनने के बाद आपको क्लर्कियल काम से छुटकारा मिल जाता है,
आप एक तरह से सुपरविजन वाले में आ जाते हो, सिर्फ वर्क को आप डिवाइड करोगे कि ये आरओ का काम है, ये एआरओ का है, ये आपको देखना है, ये आपको मिलना चाहिए, लास्ट में उन सभी चीजों को इकट्ठा करोगे और आगे अपने अधिकारी को फॉरवर्ड करोगे। तो यहां से सुपरविजन वाला काम हो जाता है और यही जो आपका होता है ये भी आपका क्लास बी ही गेजेटेड ऑफिसर होता है, ये भी क्लास बी होता है, लेकिन यहां से सुपरविजन काम का शुरू हो जाता है, क्लर्कियल आपका खत्म हो। जो एआर बनेंगे उसके बाद, जो आपका असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है, ठीक है, जब एआर बनेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ध्यान रखो, ठीक है, जब असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनेंगे तब आप क्लास ए ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है, अब यहां पे आप ए ग्रुप के ऑफिसर कहलाएंगे, ठीक है। तो आपका अब यहां से मैक्सिमम काम जो हो जाएगा सुपरविजन वाला ही हो जाएगा, जिससे एआर बनोगे, फिर डिप्टी रजिस्ट्रार बनोगे, फिर आप बनते हो जूनियर रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, जूनियर नहीं, ज्वाइंट रजिस्ट्रार होता है, सॉरी ज्वाइंट रजिस्ट्रार होता है, ठीक है। तो ज्वाइंट रजिस्ट्रार बनने के लिए बहुत कम ही लोग यहां तक जा पाते हैं, बहुत कुछ फैक्टर करता है, आपका एज फैक्टर करता है, हर चीजें फैक्टर करती है, यहां पर वैकेंसी आगे कितनी है, खाली हो रहे हैं, कितने लोग रिटायर हो रहे हैं, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रमोशन पे। तो यहां तक बहुत कम लोग जा पाते हैं, जो जाता है तो वो लास्ट यहीं जेआर तक ही जाता है, रजिस्ट्रार तो बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो जेआर ज्वाइंट जो रजिस्ट्रार होता है उसके लिए आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। यहां तक आपके पास एआर डीआर तक कोई लॉ की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रमोशन लेना है ज्वाइंट रजिस्ट्रार पे तो आप एज ए लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो वहां पे अगर जिसको लगता है कि मैं ज्वाइंट रजिस्ट्रार तक बन सकता हूं, कम एज में आपका सिलेक्शन हो गया है, तो आप जो है जॉब करते समय लॉ की डिग्री ले सकते हैं, वो आपके लिए प्रमोशन में फायदेमंद रहेगी, ठीक है। अब ये कहते हैं कि प्रमोशन में टाइम कितना लगेगा, टाइम तो अच्छा खासा लगेगा। जैसे अगर आप एज ए एआरओ सेलेक्ट हुए हो और आरओ बनना है आपको, तो आपको 4 से 5 साल लग जाएंगे, 4 से 5 साल में आप एआरओ से आरओ के कैटेगरी में आओगे। एआरओ से सेक्शन ऑफिसर बनने में बहुत समय लग जाता है, कभी कभी ये 7 साल में भी हो जाता है और कभी कभी 10 साल भी लग जाता है। वो मैंने बताया, प्रमोशन हमेशा डिपेंड करेगा आपके ऊपर वाले में लोग रिटायर हुए हैं, जगह खाली है कि नहीं, ठीक है। तो जैसे रिटायरमेंट होगा उसी हिसाब से आपका, क्योंकि एसओ एआर और डीआर का आपका क्या होता है, कोई भी पोस्ट आता नहीं है, यहीं से आपकी भर्ती होगी, बाकी ये प्रमोशन से ही चलते हैं। तो जब रिटायरमेंट होगा तभी आप प्रमोट हो पाएंगे। तो 7 से 10 साल आपको एसओ बनने में लग जाएंगे, उसके बाद से थोड़ा कम समय लगता है। एसओ से अगर आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार बनते हैं तो आपको 3 से 5 साल लगेगा बस, ठीक है, असिस्टेंट में 3 से 5 साल लगेगा। ऐसे ही आपको 3 से 5 साल डीआर में लगेगा, और डीआर तक जाते जाते आपकी एज क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब इन द सेंस आप रिटायर पे आ जाते हो। जब तक डीआर तक पहुंचोगे तो रिटायर, नहीं तो फिर उसके आगे भी ऐसे 6 से 7 साल में आप जीआर बनोगे। तो ये नौबत ही नहीं आएगी आपके पास, क्योंकि एज सभी की 25-26 के ऊपर ही जा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग मैक्सिमम जा पाओगे तो एआर और डीआर तक जा पाओगे इस जॉब में, तो ये इसके प्रमोशन वाले हो गए, ठीक है। सीए वाले बहुत आएंगे तो सीए आपके एसओ तक जा सकते हैं, एसओ तक ही जाके रह जाते हैं, जो सीए वाले होते हैं उनका प्रमोशन एसओ तक ही हो पाता है। अब आगे आते हैं हम लोग एआरओ की थोड़ी सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं और सीए के बारे में। प्रमोशन आपका सभी में एक ही जैसा है। एआरओ का देखो ग्रेड पे जो है वो 4600 है, 4600 ग्रेड पे की है। इसका काम भी लोअर डिवीजन क्लर्क इसको बोल सकते हो, हाई अपर डिवीजन क्लर्क हो गया आपका आरओ, और एआरओ जो हो गया आपका लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, ये भी एक क्लर्कियल पोस्ट का ही जॉब है। आपको बस चीजें क्या करना है, मैक्सिमम टाइप करना है, आपको रिव्यू नहीं करना है चीजों को, बस आपको जो कंटेंट मिल गया उसको आपको क्या करना है, देखना है, अच्छा ये कंटेंट इस फॉर्मेट में चाहिए, मुझे ऐसे टाइपिंग करनी है, ये काम हो गया, ठीक है। बाकी जो सीए वाला है उसके उसको फाइल भी टहलाने के लिए मिल जाता है, जाओ तुम इधर से उधर फाइल भी करो, ये भी लाओ वो लाओ, और भी काम प्लस क्लर्कियर काम तो उसका रहता ही है, कंप्यूटर असिस्टेंट ही नाम है उसका, तो कंप्यूटर के साथ जो ऐसे जरूरी है ऑपरेटर के साथ, क्योंकि एआरओ के साथ वो उसी का एक तरह से असिस्टेंट की तरह काम करता है। 4600 ग्रेड पे की जॉब है, अच्छी जॉब है जो है, आरओ से इसकी भी तनख्वाह कुछ कम नहीं है, ठीक है। 44900 से 1,00,000, ये कितना है आपका, हाँ 1,42,400 का आपका क्या है, पे स्केल है इसका, इसका मतलब बेसिक आपका यहां से यहां तक वेरी करेगा, 1,42,400, और उसका 1,51,000 समथिंग था,
ठीक है, तो ये लेवल सेवन में आ जाता है। जो ये लेवल सेवन लेवल एट है, ये आपका जो सेवेंथ पे कमीशन जब से आया उसमें उस समय ये हम लोग पे बैंड, पहले ग्रेड पे सैलरी हम लोग ज्यादा एग्जीक्यूट करते थे, लेकिन अब क्या हो गया, हमारा पे स्केल मैट्रिक्स पे हो गया है, क्योंकि जो सेवेंथ पे आपका लगता है वो पे स्केल सेवन मैट्रिक्स पे हम लोग ज्यादा सैलरी को कैलकुलेट करते हैं। जो पे बैंड हमारा ये है, पे बैंड अलग हो गया, 9300 से लेकर 34800 तक का ये पे बैंड है, यही आरओ का भी पे बैंड है, एआरओ का भी पे बैंड यही है, लेकिन ग्रेड पे और पे स्केल चेंज है। ठीक है, तो ये पे स्केल जो बताता है वो आपको बेसिक बताता है, यहां से यहां तक आपकी बेसिक जाएगी, उसी में इंक्रीमेंट लगते लगते 1,42,400 तक जाएगा, उसके बाद से आप अलग पे स्केल पे अलग लेवल पे आप पहुंच जाओगे। बेसिक आपको लगेगा 44,900, डीए आपका 17% उसमें इंक्लूड होगा, हाउस रेंट होगा, ड्रेस होगा, अदर अलाउंसेस मिला के 59,763 आपके बनेंगे। डिडक्शन और एक्शन के बाद, इनकम टैक्स काटने के बाद, पेंशन के लिए आप कटवाते हो पैसा, 200 रुपया हाईकोर्ट काटता है, ठीक है, कई चीजें कटने पीटने के बाद ऑन अप्रोक्स आपके हैंड में 53,000 से 55,000 सैलरी एआरओ, अगर आप पोस्ट पे हुए हो तो एआरओ में 53,000 से 55,000 आपकी सैलरी बनेगी। ठीक है, अब सीए प्रमोशन तो सेम चीज है, सीए के बारे में बात कर लेते हैं, कंप्यूटर असिस्टेंट के बारे में, ये 2400 ग्रेड पे की जॉब है, इसका पेमेंट जो है 5,200 से लेकर 20,200 का पेमेंट है, ये लेवल फोर में आता है, पे स्केल के मैट्रिक्स में सेवेंथ पे कमीशन जो आपका है उसके लेवल फोर में आता है। इसका पे स्केल जो है वो वेरी करता है, बेसिक पे 25,500 से लेकर 81,100 तक इसका बेसिक जा सकता है, मतलब इनिशियल जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपका बेसिक कितना होगा, 25,500 होगा, उस पे आपके अलाउंसेस मिलेंगे। ठीक है, इंक्रीमेंट आपका लगेगा, इंक्रीमेंट लगते लगते आप 81,100 तक इस जॉब प्रोफाइल में आप जा सकते हो। तो डीए आपका 43-35 बनेगा, एचए आपको वही 5,000 के अप्रोक्सी सभी को मिलता है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर कम मिल जाता है, ऐसी बात नहीं है। ड्रेस का आपको अलाउंसेस मिलेगा, न्यूज पेपर का अलाउंसेस मिलेगा, और भी ढेर सारे अलाउंसेस होते हैं, मिलते हैं, तो ऑन अप्रोक्स 35,835 से लेकर 37,38,000 तक आपकी सैलरी यहां पर बन सकती है। ठीक है, कितनी, 37-38, तो आपके पास अकाउंट में जो सैलरी आएगी वो 33,000 से लेकर 35,000 तक आपके अकाउंट में एज इनिशियल जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको 33,000 से लेकर 35,000 के बीच में सैलरी एज ए सीए मिलेगा। एआरओ पे जाओगे तो आपको सैलरी जो है 53,000 से 55, और जब आरओ पे जाओगे तो मैंने बताया 60,000 तक आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, तो सैलरी अच्छी है, जॉब भी ठीक ठाक है, रेपुटेटेड जॉब है। हाँ, बात अगर कंपैरिजन करोगे आप यूपीपीसीएस आरओ और हाईकोर्ट आरओ के, तो उसमें पावर में बस डिफरेंस है, बाकी आपके पैसा, ठीक है, रुतबा वहां भी है, जो भी हाईकोर्ट के मैटर आपके फंसते हैं तो वहां भी आपको आपको ही लोग अप्रोच करेंगे कि अच्छा आप हाईकोर्ट में है। ठीक है, तो बस यहां थोड़ा दायरा उसका बड़ा होता है, वहां आपको सिर्फ कोर्ट तक ही आपका दायरा रहता है। तो ये आपके जॉब प्रोफाइल के बारे में हुआ, काम जो होता है आरओ एआरओ सीए का सभी का कलर केयर बेसिस पे ही होता है, जितने भी जजमेंट होते हैं उन्हीं को बस सही तरीके से रिप्रेजेंट करना, जज को देना फाइल में, ठीक है, उनका ही है सब काम होता है। सभी को अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया जाता हो, जज जैसे आपको आरओ बना तो हो सकता है उसमें आरओ वाला एक आरओ को बना दिया जाए कि आप पूरे के पूरे जितने भी हाई कोर्ट में कर्मचारी हैं उनके सैलरी पर आप काम करो कि किसको क्या सैलरी जाता है, कैसे उनका वर्क है, क्या प्रोफाइल है, एक तरह से उनका पूरा प्रोफाइल जो है तैयार जो होता है वो तैयार करने के लिए दे दिया जाए। तो अलग अलग आरओ को अलग अलग काम अलग अलग डिवीजन में बांट दिया जाता है वर्क। ठीक है, बेसिकली ये वो, तो जब आप अपॉइंट हो गए तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, लेकिन जॉब क्लर्कियल बेसिस पे ही होता है। ठीक है, तो बाकी आपको जो भी क्वेरी होगी, जो भी दिक्कत आएगी, आप कमेंट बॉक्स में जो है अपनी क्वेरी डाल सकते हो, और जितने लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आपको सभी के जितने भी पोस्ट हैं जिनकी आप जॉब प्रोफाइल जानना चाहते हो कि सर इसके जॉब प्रोफाइल में क्या होता है, सैलरी क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या होगा, इनहैंड सैलरी कितनी मिलेंगी, प्रमोशन कहाँ तक हम पहुंच सकते हैं, तो वो सब चीजें जिसके बारे में आपको जानना हो वो कमेंट में जरूर आप कमेंट करिएगा, उसके लिए हम जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले जॉब प्रोफाइल में, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।